मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर चंपावत जिले के टनकपुर स्थित प्रसिद्ध धाम माँ पूर्णगिरि मंदिर में दर्शन कर पूजा पाठ की एवं प्रदेशवासियों की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की है। इस दौरान मंदिर समिति के द्वारा रखे गए स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने पूर्णगिरि मंदिर हेतु लाड़ीगाड़ से पूर्णगिरि मंदिर तक लिफ्ट पेयजल योजना हेतु 4 करोड़ रुपए स्वीकृति हो जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को नंबर 1 बनाए जाने पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए हमारी सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, पूरे रोड मैप के अनुसार कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माँ पूर्णगिरि धाम भारत का प्रसिद्ध धाम है, यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को अच्छा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संचार सुविधाओं को भी अच्छा किया जाएगा। इस दौरान चंपावत विधायक श्री कैलाश घतोड़ी, मंदिर समिति अध्यक्ष श्री किशन तिवारी, भाजपा नेता प्रकाश तिवारी एवं लोग मौजूद रहे।